राजकुमार राव है, उनकी फिल्म है उमरेता, जिसका निर्देशन किया है हंसल मेहता ने। सबसे पहले आपको उमरेता का मतलब बताती हूँ। इसका मतलब होता है खामोशी, जो अक्सर जुर्म की दुनिया में इस नाम का इस्तेमाल कोडवर्ड के रूप में यूज किया जाता है। उमरेता की जो कहानी है वो आतंकवादी उमर सईद शेख पर बेस्ड है, जिनका नाम कई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए शामिल है या लिया जाता है, और उन्हीं का रोल जो है राजकुमार राव ने प्ले किया है। फिल्म की कहानी जो शुरू होती है एक इंसान से, उसके आतंकवादी बनने के सफर को हंसल मेहता ने इस फिल्म में दिखाया है। अगर इस फिल्म की सबसे खूबसूरत चीज ये है कि ये फिल्म में राजकुमार राव की जो एक्टिंग है वाकई बहुत शानदार है। उनके एक्सप्रेशन, उनकी जो बोलने की शैली है, कभी वो उर्दू में कुछ जिहादे पढ़ते हैं, कभी वो फाइटिंग करते हैं, बहुत ही शानदार फिल्म है। लेकिन फिल्म की कमजोर कड़ी ये है कि ये कोई इंटरटेनमेंट वाली फिल्म नहीं है। इसको देखकर कई ऐसे सीन है जो आपको बिभत्स करेंगे, विचलित कर देंगे, और कई ऐसे सीन है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। कुल मिलाकर ये फिल्म बिल्कुल भी इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। तो अगर आप राजकुमार राव के बहुत बड़े फैन हैं और एक बेहतरीन फिल्म देखना चाहते हैं, सीरियस मूवी देखना चाहते हैं, तो आप उमरेता देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से राजकुमार राव की फिल्म को 3 स्टार। तो देखा आपने, फिल्म की कहानी तो लोगों को पसंद आ ही रही है, लेकिन राजकुमार राव की जो एक्टिंग है वो देखकर भी दर्शक दंग है, हैरान है और खूब पसंद कर रहे हैं। तो इस हफ्ते 2 फिल्में रिलीज हुई है। एक तरफ है हल्की फुल्की कॉमेडी 102 नॉट आउट, जो आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। तो दूसरी तरफ है राजकुमार राव की सीरियस फिल्म, आतंकवादी घटनाओं पर बेस्ड है, चाहे तो आप इसे देख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नई फिल्म के साथ।